हेलो गाइस, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। यूट्यूब चैनल पे आए हो, अच्छे होंगे मेरी तरह। तो आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूँ गाइस। दिल्ली सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ मैं आपके पास। तो पहली चीज़ तो गाइस, दिल्ली सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन से, मैं लास्ट वीडियो में थी ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं फिर से एक ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन देने जाता हूँ। जिन जिन लोगों के सी फॉर्म डॉक्यूमेंट्स पीसी सब कुछ तैयार है सिविल डिफेंस वॉलंटियर के, जिनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो अब उनकी ट्रेनिंग होने वाली है गाइस। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है ये। अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर में जिन पुराने जो बैच थे जिन्होंने पहले इसी साल अप्लाई किया था, उनकी ट्रेनिंग हो रही है इस महीने। और उसके बाद नवंबर में होगी, उसके बाद दिसंबर में होगी, देन उसके बाद जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर तक ट्रेनिंग होगी और लगातार होगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैच तक होगी। तो आपको ध्यान रखना है गाइस, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जैसे आपका साउथ डिस्ट्रिक्ट है, तो साउथ डिस्ट्रिक्ट का कापासीटा का आपका SDM ऑफिस है, वहाँ पे जाकर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे जा रहे हैं और कुछ लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न यही है, उनको नेक्स्ट मंथ बुलाया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में आना, आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए हम आपको कॉल बैक करेंगे। तो गाइस, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग टेंशन ले रहे हैं कि यार ट्रेनिंग नहीं हो रही हमारी क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं लिए जा रहे, तो गाइस तभी लेंगे जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी उन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट लेनी थी वो ले चुके हैं, तभी धीरे धीरे भाई 100 बच्चे होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, ट्रेनिंग जब होती है तो ट्रेनिंग में एक बैच के अंदर 100 बच्चे होते हैं, उसके बाद 100 बच्चों की वो 4 से 5 दिन ट्रेनिंग चलती है, देन उसके बाद दूसरा बैच चलता है, यानी कि महीने में 4 बैच चलते हैं। देन 4 बैच खत्म होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर 4 बैच चलते हैं। 100 के सी फॉर्म डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड क्यों नहीं लिए जा रहे, रीज़न यही है क्योंकि बच्चे पूरे हो चुके हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। जैसी उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी तब आपकी ट्रेनिंग दोबारा से होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे 100-100 बच्चे करके लेते हैं, इसलिए वो एकदम से ज़्यादा बच्चे लेंगे तो वो ट्रेनिंग नहीं करवा सकते हैं गाइस। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी वॉलंटियर जाते हैं, काफ़ी लोग फॉर्म में अप्लाई करते हैं सिविल डिफेंस में ज्वाइन होने के लिए, तो उसके लिए टाइम तो लगता ही है हर एक चीज़ के, क्योंकि गवर्नमेंट काम है, गवर्नमेंट काम में लंबा प्रोसेस रहता है, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सी फॉर्म हो, हर एक चीज़ थोड़ी स्लो आती है प्रोसेस में। तो ट्रेनिंग सब क्योंकि घबराने वाली बात नहीं, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं हो रही है। तो भाई होगी, सबकी होगी इस मंथ अक्टूबर में, जैसे चल रही है अक्टूबर नहीं तो नवंबर नहीं तो दिसंबर जनवरी, कभी ना कभी तो आपकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी होती है, ड्यूटी से पहले आपकी निष्काम ड्यूटी भी होती है। निष्काम ड्यूटी बेसिकली क्या होता है, फ्री सेवा होती है, वो कुछ एक हफ्ता तक करनी पड़ती है, उसी के बेस पे आपकी ट्रेनिंग ड्यूटी मिलती है। पेड ड्यूटी यानी जैसे 15 या 20 दिन, जितने दिन की ड्यूटी आपको मिल रही है उस हिसाब से पैसे मिलेंगे आपको। और 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें सैलरी जो होती है आपकी 780 या 744 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलती है, और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, बैंक में आती है सीधा आपके SDM ऑफिस जो हमारा है वहाँ के, वहाँ से आती है आपकी, जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे डायरेक्ट आपको वहाँ से मिलेगी सैलरी आपकी। और आपको आपकी अटेंडेंस शीट भी वहीं पे सबमिट होती है, जितने दिन आपकी ड्यूटी करी है उस हिसाब से आपकी अटेंडेंस शीट जाती है आगे, और उसी अटेंडेंस के बेस पे आपकी सैलरी मिलती है। और एक और चीज़ गाइस बताया तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सिविल डिफेंस में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप ये मत सोचना कि ये परमानेंट है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म आपको खुद से परचेज करनी है उसकी, आप वो आपको नहीं देंगे यूनिफॉर्म, वो कम से कम 2000 से 2500 रुपये के अराउंड आपकी यूनिफॉर्म आती है। दिल्ली कैंट है सबसे बड़ा हब जहाँ पर सारी यूनिफॉर्म मिलती है, आर्मी की, पुलिस की, सिविल डिफेंस की। इसके अलावा रजौरी गार्डन में एक अंकल बैठते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के बिल्कुल बाहर, वहाँ पर भी आपको सिविल डिफेंस की यूनिफॉर्म मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपकी ट्रेनिंग की ड्रेस होती है, ट्रेनिंग में जो वाइट कलर की टी शर्ट और लोअर पहनते हैं, वो भी आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ आपको पैसे खरीद कर करना पड़ता है, फिर जब ड्यूटी मिलती है सिर्फ ड्यूटी के आपको पैसे मिलते हैं। तो ये थी वीडियो, ट्रेनिंग होगी उसके बाद ड्यूटी मिलेगी, तो ट्रेनिंग का वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगी, सबकी होगी और उसके बाद ड्यूटी मिलती है। तो ये थी वीडियो, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, जिससे उन लोगों को भी ड्यूटी मिल सके और वो भी ट्रेनिंग कर सकें। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सपोर्ट दिखाओ। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।